हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम रिव्यू करेंगे हुंडई क्रेटा का। क्रेटा में आपको 6 वेरिएंट्स मिलते हैं, ई, ई एक्स, एस, एस प्लस, एस एक्स एंड एस एक्स ऑप्शनल। इसका ई बेस वेरिएंट है। ये गाड़ी कम्पीट करती है किया सेल्टोस, एमजी हेक्टर, मारुति ग्रैंड विटारा एंड टोयोटा हाई राइडर के साथ। ये आती है मिड साइज एसयूवी के सेगमेंट में। इसमें आपको मिलेंगे हैलोजन, प्रोजेक्टर हेडलैम्प, लो बीम एंड हाई बीम के लिए डीआरएल, टर्न इंडिकेटर। स्किड प्लेट इस वेरियंट में अवेलेबल नहीं है। इस वेरिएंट में आपको दो इंजन ऑप्शन मिलेंगे, पेट्रोल एंड डीजल। ये इसका डीजल इंजन है। 1493 सीसी फोर सिलेंडर। ये प्रोड्यूस करता है 113 bhp एंड 250 nm का टॉर्क। पेट्रोल में इसमें आपको 143 nm का टॉर्क मिलेगा। अंडर बॉडी इंजन का बोनेट पे भी आपको कवरिंग मिल जाएगी। इसमें आपको मिलेंगे 16 इंच के स्टील व्हील व्हील कैप्स के साथ, 205/65 R16, फ्रंट में डिस्क ब्रेक, व्हील आर्च क्लैडिंग, साइड बॉडी क्लैडिंग, टर्न इंडिकेटर आपको फ्रंट फेंडर पे मिलेंगे, वाइपर, वॉशर, ओआरवीएम मैनुअली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल है। ए एंड बी पिलर आपको ब्लैक टेप के साथ मिलेंगे, सी पिलर आपको सिल्वर कलर में मिलेगा। रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक मिलेंगे, अपोलो के टायर्स, माइक्रो रूफ एंटेना। पहले इस कार में आपको शार्पन एंटेना मिलता था सारी वेरिएंट्स में। एलईडी टेल लैम्प, टेल लाइट, ब्रेक लाइट, टर्न इंडिकेटर। ये वाला पार्ट आपको पियानो ब्लैक फिनिशिंग में मिलेगा। हाई माउंट स्टॉप लैम्प, हुंडई के लोगो, क्रेटा की बैजिंग। लाइसेंस प्लेट की लाइट आपको हेलोजन में मिलेगी। 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, रिवर्स लाइट, रिफ्लेक्टर। टेल गेट ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे स्विच मिल जाएगा। इसमें आपको कवर टेल गेट मिलेगा। पार्सल ट्रे इस वेरिएंट में अवेलेबल नहीं है। स्पेयर व्हील 16 इंच का स्टील व्हील। इसमें आपको 50 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगी एंड 433 लीटर्स का बूट स्पेस मिलेगा। यहाँ से आप DEF फिल करवा सकते हैं, डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड। सेफ्टी में इसमें आपको 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, प्री टेंशनर विद 4 सिलीमीटर, हाई स्पीड अलर्ट, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, इम्पैक्ट सेंसिंग, ऑटो डोर अनलॉक और भी कई सारे सेफ्टी फीचर्स मिल जाएंगे। इसमें आपको कुछ इस तरह की मिलेगी, लॉक अनलॉक एंड टेल गेट के स्विच के साथ। लॉक करेंगे सिंगल हॉर्न, अनलॉक करेंगे डबल हॉर्न। इस वाले स्विच को होल्ड करके रखेंगे तो सिर्फ टेल गेट अनलॉक होगा। इस कार में आपको ड्यूल टोन इंटीरियर्स मिलेंगे। यहाँ पे आपको किसी भी तरह का सॉफ्ट टच नहीं मिलेगा। पावर विंडो कंट्रोल, स्पीकर, बॉटल होल्डर। इनसाइड डोर हैंडल आपको ब्लैक कलर में मिलेगा। रियर की सीट्स को आप 60-40 फोल्ड कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ये 40% पार्ट है एंड वो 60% पार्ट है। रियर में आपको दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे। रियर में आपको आर्मरेस्ट भी मिल जाएगा विद ट्विन कप होल्डर्स। कैबिन लैम्प, हेलोजन, ग्रैब हैंडल, रियर एसी वेंट, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस। पैसेंजर साइड सीट के बैक पे आपको पॉकेट मिल जाएगी एंड ड्राइवर साइड भी मिल जाएगी। रियर से फ्रंट का कुछ इस तरह का लुक है। अब चलते हैं इसके फ्रंट में। हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट, इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें आपको 6 एयरबैग्स मिलेंगे, साइड एयरबैग्स, फ्रंट में आपको 2 एयरबैग्स मिल जाएंगे एंड आपको सीट में एयरबैग्स मिल जाएंगे। आप कार को की से भी अनलॉक कर सकते हैं।
फ्रंट डोर पे भी आपको किसी भी तरह का सॉफ्ट टच नहीं मिलेगा। ऑल फोर पावर विंडो के कंट्रोल, पावर विंडो लॉक का स्विच, लॉक अनलॉक के कंट्रोल, ओआरवी हमको मैन्युअली एडजस्ट करना पड़ेगा कुछ इस तरह से। स्पीकर के लिए स्पेस, बॉटल होल्डर, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस। ड्राइवर साइड सीट 6 बाय एडजस्टेबल है, हाइट, रिक्लाइन एंड स्लाइडिंग, इसको आपको मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ से आप फ्यूल लिड को ओपन कर सकते हैं, यहाँ से आप बोनट को ओपन कर सकते हैं। इसमें आपको प्रॉपर डैड पैडल मिलेगा। इस वेरियंट में आपको फैब्रिक अपहोल्स्ट्री मिलेगी। ऑटो ऑन ऑफ का स्विच, ट्रैक्शन कंट्रोल का स्विच, हेडलैम्प की बीम को एडजस्ट करने के लिए स्विच, की रिंग आपको इल्यूमिनेटेड नहीं मिलेगी। एग्जैक्ट कौन सा डोर ओपन है उसका भी डिस्प्ले मिल जाएगा, बोनट एंड टेल लाइट का भी डिस्प्ले मिल जाएगा। इसमें आपको कुछ इस तरह का फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील मिलेगा। MID के कंट्रोल्स, कार को स्टार्ट कर लेते हैं। बोनट का व्यू कंप्लीट विजिबल रहता है, कुछ इतना इंजन का साउंड है। कुछ इस तरह से आप MID को चेंज कर सकते हैं, फ्यूल इकोनॉमी, यूरिया लेवल, ऑटो स्टॉप, स्पीड, ड्राइव इन्फो, एक्यूमुलेटेड इन्फो, टायर प्रेशर, सेटिंग्स, लाइट, डोर, साउंड, कन्वीनियंस, सर्विस इंटरवल, अदर फीचर्स, लैंग्वेज, रीसेट, आउटसाइड टेम्परेचर डिस्प्ले, टोटल किलोमीटर ड्रिवन, ट्रिप ए, ट्रिप बी, लो फ्यूल वार्निंग, टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, इंजन टेम्परेचर। यहाँ से आप ऑटो ऑन ऑफ को ऑफ कर सकते हैं कुछ इस तरह से। हेडलैम्प के टॉगल, वाइपर के टॉगल्स, यहाँ पे आप जो भी मोड सेलेक्ट करेंगे उसका भी डिस्प्ले मिल जाएगा। स्टेयरिंग व्हील को आप टिल्ट एडजस्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। टेलीस्कोपिक अवेलेबल नहीं है, इसमें आपको कुछ इस तरह का हॉर्न मिलेगा। इस वेरिएंट में आपको किसी भी तरह का इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलेगा। हजार्ड लैम्प का स्विच, मैनुअल एसी एंड हीटर कंट्रोल्स, 12 वोल्ट का सॉकेट, चार्जर अलग से लगाना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस। इस वेरिएंट में आपको 6 स्पीड मैनुअल का ऑप्शन मिलेगा पेट्रोल एंड डीजल दोनों में। ट्विन कप होल्डर्स, मैनुअल हैंड ब्रेक, आर्मरेस्ट विथ स्टोरेज, ग्लव बॉक्स डिसेंट साइज का है, बड़ी कूल्ड नहीं है। वैनिटी मिरर, पैसेंजर साइड सनशेड पे, डे नाइट IRVM, ड्राइवर साइड आपको टिकट होल्डर मिलेगा। सेंसर्स का डिस्प्ले कुछ इस तरह का है। तो ये था हुंडई क्रेटा का रिव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप उदयपुर या नियर बाय उदयपुर से आपको इस कार को परचेज करना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।